शादी का झांसा देकर 3 वर्षों तक नाबालिग से किया दुष्कर्म, अब भटक रही पीड़िता। महाराजगंज जिले के चौक थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव निवासी किशोरी को शादी का झांसा देकर 3 वर्षों तक दुष्कर्म करने का मामला प्रकाश में आया है, जिस मामले में किशोरी की मां ने निचलौल क्षेत्र अधिकारी कार्यालय पहुंचकर आरोपी युवक के खिलाफ लिखित शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। चौक थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली एक महिला ने क्षेत्र अधिकारी को दिए गए शिकायती पत्र में बताया है कि उसकी बेटी नाबालिग है। बेटी के दूसरे गांव को एक युवक ने अपने प्रेम जाल में फंसाकर शादी का झांसा देकर 3 वर्षों तक दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, बीते 8 जनवरी 2023 को स्कूल गई बेटी को युवक बहला फुसला कर भगा ले गया, जिसकी लिखित शिकायती पत्र चौक पुलिस को दी तो पुलिस ने बेटी और युवक को 10 जनवरी को बरामद कर ली। आरोप है कि पुलिस ने 1 महीने तक आरोपी युवक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि मामले में सुलह समझौता कराकर क्षेत्र के एक मंदिर पर 15 फरवरी को युवक के साथ बेटी की शादी करा दी। शादी के बाद बेटी युवक के घर पहुंची तो युवक के परिजनों ने बेटी को मारपीट कर तीसरे दिन घर से निकाल दी, जिसकी शिकायत चौक पुलिस से कई बार किया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिस मामले में परेशान होकर महिला ने क्षेत्र अधिकारी कार्यालय पहुंचकर कार्रवाई की मांग की है। अपने घर ले गया जबरदस्ती, तो जबरदस्ती ले गया तो 3 दिन कमरे में बंद किया, तो हमारे साथ जबरदस्ती गलत करने के संबंध बनाया। तो उसके बाद हमने वहाँ सोचा भाग लेने के लिए, तो जान से मारने के लिए धमकी दे रहा था हमको, तो वहाँ से हमने कैसे भी भाग लिया। तो हमारी मम्मी थाने पर दरखास्त डाली थी, हमको जो रही थी, तो हमने गया तो थाने पर गया, तो दरखास्त लेकर गए बड़े साहब ने की लग गई, तो बड़े साहब सुन ही नहीं रहे थे, कहे कि जाओ घर, तुम्हारे कोई बात नहीं सुनी जाएगी। तो हमने अपने घर गया, तो घर से फेंसो आया थाने पे, तो कोई बात नहीं सुन रहे थे। तो 2 महीने बाद फरवरी में 15 तारीख को हमारी शादी कर दी सब लोग, दरोगा साहब करवाए और पंडित और उससे सब नात आए थे। कितना उम्र है, कई साल की है आप? हम 17 साल की। आप क्या चाहती हैं? हम न्याय चाहते हैं। क्या कहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से? यही कहेंगे कि हमको न्याय दीजिए। किस थाने पे आप गई थी? चौक बाजार। लड़की आई स्कूल पर पढ़ने के लिए, वहाँ से हमारा लड़की नापाता हो गया, हम लोग खोज के थक गया, कहीं पता नहीं चला। 3 दिन के बाद लड़की हमारा घर पर आ करके रो रही है। हम खेते से हम लोग आए हैं तो देखे हैं लड़की रो रही है, कहनी बहनी कहाँ से अलू का भाव बात ही भैया कैसे तोले। 3 दिन हम खोज के हार गया नहीं पौनी, तई कहा जे हमको रुके वहाँ स्कूल पर से हमको ले करके भागा गया, अपना घर ले करके गया, तो 3 दिन कमरा बंद किया। हमारे साथ 3 दिन गलत संबंध किया। तो हम कैसे तुरा फना के हम तुम्हारा पास नहीं आए, लड़की लेके हम थाने पर गया दरखास्त लेके, कोई हमारा सुनवाई नहीं किया। आज कल आएगी परसों आएगी ऐसा कहत कहत हम लोग को 8 दिन हो गया है। बड़े साहब कोई सुनवाई हमारा हम लोग को नहीं करे। बड़े साहब कहना हमके तुम्हारा सुनवाई नहीं करेंगे, जाओ तुम्हारा जात बिरादर है शादी कर। तो फिर लड़की उसके घर फिर लड़का भगा करके ले गया, फिर 2 दिन रखा, फिर हमारा लड़की को खे दिया। फिर दरखास्त लेके बड़े साहब के सामने गया, तो बड़े साहब के कहा जे तुम जाओ घर लड़की लेकर के, तुम्हारा कोई शादी दरोगा साहब कराए हैं जी, हम इतनी मुकदमा नहीं लिखेंगे, जाओ शादी कर लो। तो हम लोग